रात थूमनगंज थाना अंतर्गत मकान के लेन देन रुपयों को लेकर महिला उत्पीड़न व छेड़खानी का मामला सामने आया है। बता दें कि पीड़ित महिला साधना सिंह पत्नी आदित्य सिंह राजरूपुर प्रयागराज से पीते कुछ दिन पहले लॉजी ग्रीडियन दत्ता नामक व्यक्ति ने एक पड़ोस के बने मकान में कई वर्षों से रहता था। उसने अपने माया जाल में सीधे सीधे परिवार के बाबूलाल सिंह को फंसाकर अपने रहने वाले मकान को दिखाकर बेचने का 40 लाख में सौदा किया और 22 लाख 71 हजार रुपए नगद एडवांस में ले लिया। बोला, ये चाबी ले लीजिए, मैं आपको रजिस्ट्री लिख दूं तो बचा हुआ शेष बचे पैसा मुझे दे देना। और यह बात कहते कहते काफी दिन बीत गए। तभी साधना सिंह और उनके पिता ने कहा, दत्ता जी आप हमारा पैसा वापस कर दो, आप ना जमीन दे रहे हो ना ही हमारा पैसा। तभी शातिर अपराधियों ने अपना षड्यंत्र रचा और महिला को एक दिन 3 बजे दोपहर में उसी घर में अकेले बुलाकर कहा, हमारा कागज और सामान छूट गया, चलो आप खोल के दे दो। तभी मैं साधना सिंह विश्वास में गई तो वहाँ कुछ 5 से 6 अज्ञात व्यक्ति खड़े थे। जैसे ही वह कमरे के अंदर गई, उसी समय एक सत्येंद्र नारायण सिंह और अमन मल्होत्रा एवं लॉजी ग्रीडियन दत्ता और 3-4 अज्ञात व्यक्तियों ने उसे अंदर घसीटते हुए उसके कपड़े फाड़ कर उसके साथ अश्लीलता करना चाहे तो वह तेजी से चिल्लाते हुए बाहर भाग कर निकली। तभी मोहल्ले के लोगों ने आवाज़ दिया, चिल्लाया और उसी समय उसकी बेटी और उसके पिता बाबूलाल सिंह भी आ गए। उसी समय साधना सिंह ने धूमनगंज थाना अध्यक्ष को फ़ोन में सूचना दी। फिर उसने तत्काल 112 नंबर में डायल किया तो पुलिस आकर मामले को शांत करवा कर चली गई। तभी उसने उसकी सूचना लिखित में धूमनगंज थाना प्रभारी को दिया और SSP एवं IG महोदय को दिया, लेकिन कार्यवाही ना होने के बाद वह इसकी सूचना महिला थाना और 8 दिसंबर 2021 को राज्य महिला आयोग को जनसुनवाई के दौरान दी। जब कोई भी कार्यवाही नहीं हुई तो वह पत्रों एवं ऑनलाइन के माध्यम से सूचना सारे विभागों को दर्ज करवाई, लेकिन अभी तक उस पीड़िता साधना सिंह को न्याय नहीं मिला है। यदि उसे जल्द न्याय नहीं मिला तो वह मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश से न्याय की गुहार लगाएगी। प्रयाग एक्सप्रेस न्यूज़ के लिए हसमतुल्ला की खास रिपोर्ट। सर, मैं पीड़िता साधना सिंह राजरूपुर की रहने वाली हूँ। मेरे फादर इल्ला श्री बीएल सिंह बाबूलाल सिंह जौली गिरियन दत्ता से मकान लेने के संबंध में उनका मकान खरीदने के बारे में बात तय हुई थी सर, जिसमें कि 22,71,000 रुपये मेरे फादर इलाफ बाबूलाल सिंह जौली गिरियन दत्ता को दे चुके हैं सर। बीच में मकान नहीं देने के संबंध में उन्होंने कहा कि हम आपका पैसा वापस कर देंगे सर 30/11/2021 तक, जो कि 30/11 के पहले 12/11/2021 को, और वो पूर्ण रूप से अपने घर का कब्जा हमको दे चुके थे, श्री बाबूलाल सिंह को पूर्ण रूप से कब्जा दे चुके थे, जो कि 12/11/2021 को उन्होंने 5 लाख रुपए देने का वादा किया था। तब हमारे घर आए, वो अचानक से हमारे घर आए और कहा कि चल कि ये घर का ताला हम मतलब खोल दिया जाए, हम कुछ ज़रूरी कागजात हमको निकालने हैं सर। उसके बाद मेरे घर पे मेरे पति आदित्य सिंह मौके पे मौजूद नहीं थे और मेरे फादर इल्ला 90+92 साल की ईयर्स ओल्ड है सर, जिसके कारण क्या बोलते हैं पुत्र वधु साधना सिंह को उनके साथ जाना पड़ा सर। जैसे ही उनके साथ घर गई तो घर के बाहर 5-6 अज्ञात व्यक्ति खड़े थे, लेकिन हम उनके बारे में नहीं जानते थे। हम ताला खोले और ताला खोल के अंदर रूम का ताला खोलने, जब अंदर रूम का ताला खोल चुके तब पीछे से सत्येंद्र नारायण सिंह राजरूपुर निवासी वो मेरा हाथ पकड़ लिए और मुंह बंद करके ज़बरदस्ती करने लगे सर। सर इसके बाद सर वो मेरे साथ बहुत बदसलूकियाँ किए और बाकी अज्ञात लोग अमन मेहरोत्रा सर और बाकी अन्य अज्ञात लोग थे जौली गिरियन साहब, सब लोग मेरे साथ गलत कपड़े फाड़ दिए सर, और मंगलसूत्र भी सोने का था जो कि छीन लिए
और गाली गलौज और जान से मारने की धमकी देते हुए इसकी सूचना से हमने सर्वप्रथम सूचना धूमनगंज इंस्पेक्टर साहब को दिया है। उसके बाद उन्होंने कहा कि आप थाने आइए सर, उन्होंने हमको कोई रिस्पांस नहीं दिया है। इसके बाद हमने 112 नंबर पे सूचना दी तो मौके पे पुलिस आई, पुलिस को देख के अन्य लोग फरार हो गए, जान से मारने की धमकी दे के हमको फरार हो गए। इसके बाद 15/11/2021 को हम इस कप्तान साहब के यहाँ मैं एक महिला पेश हुई, उसके बाद भी मतलब कोई कार्रवाई नहीं हुई सर। इसके बाद 7/12/2021 को पुनः मैं कप्तान साहब के यहाँ पेश हुई, लेकिन आज तक मुझे कोई न्याय नहीं मिला। उन्होंने सिर्फ सीओ सिविल लाइन्स के यहाँ भेज दिया गया, लेकिन आज तक मुझे मतलब कोई न्याय नहीं मिला सर। जी फिर मैंने कहाँ पहुँची सर, इसके बाद मैंने राज्य महिला आयोग 8/11/2020 को मैंने फिर पुनः क्या बोल सीमांत थाना प्रभारी महोदय को किया।